विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी शुभकामना। कहा, शिक्षकों के शोध के लिए जो भी जरूरत होगी करूंगी मदद। जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए मार्केट में भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की मूर्तियों की जमकर हो रही है बिक्री। सबसे ज्यादा कान्हा की पीतल वाली मूर्ति लोगों को आ रही है खूब पसंद। गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर का किया औचक निरीक्षण। कहा, छात्रों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे दोनों गेट, छात्रों से बनाएंगे संवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मीडिया से हुई रूबरू होते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों के समस्याओं को किया जाएगा हल, छात्रों का समय से करवाया जाएगा एग्जाम, समय से जारी होगा रिजल्ट। महेसरा रेलवे पुल पर तीन युवक सेल्फी लेते समय ताल में डूबे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ व गोताखोरों ने एक युवक को पानी से निकाला सकुशल बाहर, दो युवकों का शव किया बरामद। जनपद में महिलाओं ने तीन छठ पर की हल षष्ठी की पूजा। भगवान बलराम से पुत्र व पति की लंबी उम्र की मांगी मन्नत। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर किया जोरदार प्रदर्शन, जताया विरोध। शिक्षक दिवस के अवसर पर चौरी चौरा स्थित गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज पहुंचे राधा मोहन दास अग्रवाल। शिक्षकों और छात्रों ने बुके देकर व फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने 1.88 करोड़ की लागत से बने मार्गों का किया लोकार्पण। आम जनता के आवागमन में होगी आसानी, समय की होगी बचत। ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर किया पैदल गश्त। यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया जागरूक, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामना दी, जिसके संबंध में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, हम उनके लिए भी जो भी करना होगा करेंगे, उनके शोध को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे, इसके अलावा उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, और हम लोग उनके लिए जो भी कर पाएंगे उनके शोध में बढ़ावा देने के लिए, उनकी और भी कोई इश्यूज हो गए उनको एड्रेस करने के लिए वो हम लोग करेंगे। जन्माष्टमी पर्व पर इस बार भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। इस बार मार्केट में नए तरह के झूले, लाइट वाले झूले, भगवान श्री कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति काफी बिक रही है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को लड्डू गोपाल की मूर्ति, पीतल की कान्हा की मूर्ति बिक रही है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर लोगों में काफी उत्साह ज्यादा है, जिसकी वजह से मूर्तियों की काफी बिक्री हो रही है। जिस हिसाब से सनातन धर्म की बात चल रही है उसकी वजह से सभी धार्मिक पर्वों को और बढ़ावा मिल रहा है और लोग सभी धार्मिक पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्ति विक्रेता रविंद्र गुप्ता और सौरभ गुप्ता ने कहा, सर इस समय इस बार रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला है जन्माष्टमी के पक्ष में। इस समय मेरे पास सारे झूले मैक्सिमम 90% बिक चुके हैं, मूर्तियाँ भी सारी बिक चुकी हैं। मैंने आज भी ऑर्डर किया है क्योंकि कस्टमर की डिमांड इस समय बहुत जाती है। मेरे पास पीतल की है, अष्ट धातु की है, मार्बल की बिकती है। हाँ एकदम, हाँ लोगों के लिए इस समय उत्साह बहुत ज्यादा है। मूर्ति की सेलिंग इस बार हर साल से सबसे ज्यादा हुई है। कौन सी मूर्तियाँ सबसे ज्यादा पसंद आ रही है? लोगों को पीतल की मूर्तियाँ सबसे ज्यादा पसंद आ रही है क्योंकि वो परमानेंट होती है, वो कभी खराब नहीं होती है। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। स्थितियाँ तो अभी पिछले साल से तो अच्छी हैं, सारे लोग अभी मतलब खुल के तो नहीं आ रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है। और कल का जन्माष्टमी जो भी होगा अच्छा उत्सव मनाया जाएगा। क्या, क्या इस बार नया है इस बार मार्केट में? इस बार ड्रेस जो भी हैं वो लेटेस्ट, सबकी डिमांड है, और झूले हैं वो डिमांड है, मूर्तियाँ हैं वो भी डिमांड में है, सबको डेकोरेशन वाली और ड्रेसिंग वाली मूर्तियाँ चाहिए, वो सारी अपने वहाँ उपलब्ध हैं। एक दुकान के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको कान्हा जी के ऑल इन वन पगड़ी से लेके और सारे कपड़े, पोशाक, चड्डी, जो भी झूला जो भी है सब रुद्राभिषेक पुस्तक भंडार के नाम से शॉप है,
सारी थीम आपको एक छत्र छाया में आपको मिलेगी, वो भी उचित दाम में, होलसेल दाम में। आपको मथुरा, दिल्ली कहीं से भी आप रेट कंपेयर करके आके परचेज कर सकते हैं। जी रविंद्र गुप्ता। गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने परिसर का निरीक्षण कर बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवन में आने वाले छात्रों व अध्यापकों के लिए दोनों गेट खुले रहेंगे, जिससे किसी भी छात्र को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र प्रशासनिक भवन में आता है तो वह गाड़ियों को पार्किंग स्थल में ही खड़ा करे, जिससे आवागमन बाधित ना हो, क्योंकि इससे पहले के कुलपति ने एक गेट को बंद करवा दिया था, अब उस गेट को खुलवा दिया गया है, जिससे सभी छात्र व प्रोफेसर काफी खुश हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, आ सकते हैं, बस एक निवेदन रहेगा, जब वो आते हैं तो गाड़ी की पार्किंग ऐसे करें कि गेट पे जो हमारा और गाड़ी आ रही है वो बाधित ना हो, बस ये। गोरखपुर विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुझे राज्यपाल ने 3 साल के लिए विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया है। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी कि छात्रों से संवाद बना रहे, जिसके लिए हम लोग 1 घंटा छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा जो छात्रों का एग्जाम है और उनके रिजल्ट हैं उसको समय से घोषित किया जाए, इसके लिए भी कार्य किया जाएगा, और सभी प्रोफेसरों को पढ़ाने के अलावा कोई और कार्य नहीं दिया जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और सभी अध्यापक और प्रोफेसर की जो समस्या है उसको बैठ करके दूर किया जा सके। उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर कहा कि इस बार हम लोग विचार करेंगे, आगे नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटना ना हो, जिसके लिए सभी छात्रों से संवाद बनाकर रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर की नवागत कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, छात्रों संबंधित जो कार्य हैं वो मैं करना चाहूंगी। जैसे मैंने बात करी कि छात्रों से संवाद 24/7 कम्युनिकेशन, ये मैं करना चाहूंगी। और जो हमारे इसके अलावा छात्रों के लिए बहुत सी स्कीम्स की मैंने अभी बात करी है, कुछ मेंटरिंग हमारी स्कीम्स हैं वो हमने बात करी है, और कुछ हमारे छात्रों का संवाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ संवाद के लिए हम टाइम फिक्स करना चाहेंगे। उस पे हमारा पहला जोर रहेगा। छात्रों की जो एग्जाम की जो इश्यूज हैं, अगर कोई हैं एग्जाम और उसका रिजल्ट, उनके उनको कैसे हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा हमारा काम रहेगा। उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी रिसर्च और रिसर्च प्रमोशन स्कीम्स को हम नई नई लेकर आएंगे, उनको प्रोत्साहित करना, जो छात्रों को प्रोत्साहित करना रिसर्च के लिए, ये भी एक हमारा कार्य रहेगा। शिक्षक दिवस का दिन है और आज प्रेसवार्ता भी आप कर रही हैं, क्या नया आपने सोचा है कुछ? जैसे आप लखनऊ से चली हुई, सोचा हुआ कि ये नया करना है। देखिए शिक्षकों के लिए हमने ये सोचा है कि भाई शिक्षक अच्छा पढ़ाए, अच्छा कार्य करे, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वो अपना रिसर्च, उसका एकेडमिक एक्टिविटी बिल्कुल सफर ना हो, ये बहुत जरूरी है। क्लास ले, उनके लिए हम बहुत सी प्रमोशन स्कीम्स लेकर आएंगे। हो सकता है कि हम अभी देखेंगे कि आपका मेडिकल क्या सिस्टम है, क्या आप लोग मेडिकल में क्या करते हैं। हम लोग जैसे लखनऊ में शुरू करा, हमने कैशलेस मेडिकल रीइंबर्समेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर भी हम कार्य करेंगे। यहाँ पर अगर पिछले देखा गया तो बड़ी अनियमितता रही, एग्जाम को लेकर प्रश्न पत्र गलत चले गए, तमाम तरह की रिजल्ट भी लेट हुए, इस चक्कर में तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? और अगर बात करें आज़ादी के बाद से पहला राज्य विश्वविद्यालय में ऐसी घटना हुई, बदसलूकी हुई स्टूडेंट्स के द्वारा, कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा जो यूनिवर्सिटी का नाम बिगाड़ रहे हैं, जो पहले हुआ उसमें मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगी, जो भी था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं यही कहना चाहूंगी। और आज के दिन पे मुझे मैक A++ यूनिवर्सिटी मिली हुई है, और एक बड़ा चैलेंज है कि इसको उस स्तर को बनाए रखना और उस स्तर से ऊपर ले जाना, ये मैं कहूंगी। और बाकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज है वो प्रायोरिटी मेरी रहेंगी, छात्रों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समाधान करना भी हमारा एक प्रायोरिटी रहेगी हमारी। ये तो देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं लखनऊ से जब आई तो मैंने देखा कि आपकी यूनिवर्सिटी में बड़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कम्युनिटी है, यहाँ पर एकेडमिकली जो टीचर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जो छात्र यहाँ का है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली, छात्र इज वेरी हाईली मोटिवेटेड, हम्बल बैकग्राउंड का भी है लेकिन बड़ा डायरेक्शनल सोचता है, पढ़ना लिखना चाहता है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। किसी विश्वविद्यालय के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए काम करने के लिए? और बाकी चीजें ऐसी हैं, अगर काम करा जाएगा कुछ योजना बना के, तो वो चीजें और इम्प्रूव हो जाएंगी हमारी। मैडम प्रोफेसर कमलेश जी की बात करें, काफी कम्युनिकेशन गैप था, इसी से
भी रहे और महाविद्यालयों की भी कुछ समस्या आ रही, तो इसको किस तरह से हैंडल? कम्युनिकेशन गैप तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे और लगातार संवाद हम, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो हमारे मैनेजर्स हों या प्रिंसिपल कॉलेजेस के हों, चाहे यहाँ के टीचर हो, चाहे कर्मचारी हों, इनसे 24/7 कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे और इसके हम नए नए तरीके भी बताएंगे कैसे हो सकता है। मैडम, यहाँ छात्रों का असंतोष है, शिक्षकों का असंतोष है, उसके लिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे कि पहली बार संवाद से बहुत चीजें हल भी होती हैं, उनसे संवाद करके और क्या उनके लिए हम कर सकते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा मैडम, अगर बात करें यूनिवर्सिटी है और छोटी छोटी घटनाएं हुई जिसपे भी पुलिस कैंपस के अंदर आ गई या पुलिस बुलाना पड़ा, तो इससे कैसे बचेंगे? क्योंकि एक माहौल भी खराब होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यूनिवर्सिटी में पुलिस आती है या कोई कार्य। मैं चाहूँगी, मतलब प्रयास तो पूरा करूँगी ऐसा ना आए, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, छात्र हैं, इसीलिए संवाद से, हमने आपसे कहा ना कि संवाद से बहुत चीज़ें हल होती हैं और संवाद को हम लोग बढ़ाना चाहेंगे। 4 से 5 जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या सारे हेड हैं, मैं ये चाहूँगी कि वो टाइम 1 घंटे सब लोग केवल छात्रों से बात करें, उनकी बात सुने, उनकी समस्या को सुने, कंट्रोलर हो या रजिस्ट्रार हो या प्रॉक्टर है, 1 घंटा बच्चों से बात करें, समझे क्या इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करें। आप भी ऐसा समय निर्धारित करें? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। छात्रों को विश्वविद्यालय के छात्रों को क्या समझते हैं? कहना चाहूँगी कि वे अच्छे से पढ़ाई करें और आगे कुछ बनने का प्रयास करें, हम लोगों को पूरा समर्थन रहेगा उनके साथ में, और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें, कुछ करें और शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ाएं और सम्मान करें। आपके ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? बिल्कुल खुले रहेंगे, बिल्कुल खुले रहेंगे, एकदम खुले रहेंगे। एक इशू चुनाव का है, जो छात्र संघ चुनाव है या शिक्षकों का चुनाव है, काफी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव का काफी लंबे समय से नहीं हो रहा। देखिए जो नियम होगी तो आप देखिए, अभी तो कुछ कमेंट हम नहीं कर सकते, शिक्षक संघ की क्या स्थिति है, छात्र संघ की क्या स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नियम से होगा वो होगा। एक भौतिक विज्ञानी होने की दृष्टि से क्या संभावनाएं देखती हैं और क्या इस तरह के रिसर्च को आप चाहेंगे क्या? देखिए रिसर्च मेरा पैशन रहा है शुरू से और रिसर्च पे काफ़ी काम भी कर रखा है, तो मैं तो ये चाहूँगी कि टीचर की 2 ड्यूटीज़ होती हैं, एक पढ़ाना और एक शोध करना। देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है, इट इज़ सेंटर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, ये एक यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा रोल होता है और हम चाहेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय एक बड़े रोल को अपना निभाए, अपनी भूमिका को निभाए, हमारे शोध छात्र, हमारे शिक्षक अच्छा शोध करें, उनके लिए जो भी उनको फैसिलिटीज चाहिए उसमें देने का प्रयास करेंगे और जो भी हमारी ओर से हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। चिलुवाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेसरा रेलवे पुल पर सेल्फी लेते वक्त 3 युवक ताल में गिरकर डूब गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे SB नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने तत्काल SDRF को सूचना देकर बुलवा लिया, जिस पर SDRF ने तत्काल ताल में सर्च ऑपरेशन चलाकर 1 युवक को बचा लिया और 2 युवकों का शव बरामद किया, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 2 युवकों का शव बरामद किया गया है, परिवार से बात करके शव को सौंप दिया गया है, परिजनों को सभी कागज कंप्लीट कराकर राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से 4 लाख की सहायता दी जाएगी। मेरा सभी गार्जियन से अपील है कि बच्चों को नदी में नहाने न भेजें, क्योंकि नदी का पानी गहरा होता है और दुर्घटना हो जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, महेसरा पुल के पास 2 बच्चों के नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SDRF की टीम रवाना की गई मौके पर, और अभी जो जानकारी मिली है दोनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है और उनके परिजनों को सूचित किया गया है कि राज्य के द्वारा जो अहेतुक सहायता निर्धारित है ऐसी दुर्घटना में जो सरकार की तरफ से एक सहायता दी जाती है जिससे उनके दुख को हम बांट सकें, तो उस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा, उनको तत्काल आर्थिक सहायता आयतुक रूप से जो प्रदान की जाती है उसको उपलब्ध कराएंगे। और हम ऐसे किसी भी दुर्घटना को लेकर, स्वाभाविक सी बात है किसी भी परिवार में होती है तो दुखद है, तो लोगों से अपील भी करेंगे आपके माध्यम से कि नदी के किनारे या तालाब के किनारे अगर जाएं तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखें, और ये तैरना आता है तभी नदी में नहाएं वगैरह, और कोशिश करें कि नदी में ना नहाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव हलषष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हलषष्ठी के व्रत का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हलषष्ठी हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। हलषष्ठी के त्योहार पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं।
यह पर्व देश के पूर्वी भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसके संबंध में श्रद्धालु रीना ने बताया कि हम लोग इसे बलराम जयंती और ललही छठ के नाम से भी जानते हैं। इसमें संतान की लंबी उम्र व पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है और परिवार में सुख समृद्धि हो यह भगवान बलराम से मन्नत मानी जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रत रखने वाली रीना ज्योति खुशबू देवी ने कहा, ये तिल छठ का पूजा है, लड़कों के लिए व्रत कहा जाता है। ये किसकी पूजा होती है इस दिन? ये बलराम भैया की। क्या है आज उनका? आज उनका जन्मदिन है। इसमें क्या मांगा गया है भगवान से? इसमें मांगा गया है बच्चों की लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र, बच्चों की सलामती, यही मांगा गया है। ये हम 10 साल से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीना। ये तीन छठ माता का पूजा है और बच्चों के लिए किया जाता है। माना जाता है कि आज बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए पूजा रखा गया और सभी लोग औरतें करती हैं। श्री कृष्ण भगवान का भी जन्म है? हाँ, एक दो दिन बाद होता है इसके, एक दिन बाद श्री कृष्ण। कितने वर्षों से कर रहे हैं पूजा? 10 साल। 10 साल। हाँ। भगवान का पूजा कैसे करते हैं आप? भगवान का पूजा यही कुश रहता है और महुआ का पत्ता रहता है, उसको लगा के पूजा, और ये महुआ तिन्नी का चावल दही से पूजा करते हैं। व्रत रहती हैं? हाँ, व्रत रहते हैं। व्रत का पारण कब होता है? व्रत अभी यहाँ से पूजा करके जाएंगे तो पानी पी लेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं, भाई पूजा करते हैं तो जानते हैं कि मतलब इनमें श्रद्धा है बच्चे की लंबी उम्र के लिए। भाई बच्चों का लंबी हुई, लड़के का ही व्रत है और लंबी आयु के लिए उनके पूजा किया जाता है। ए बच्चे। करीब 12 साल हो गया। खुशबू देवी। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के विरोध में मंगलवार को जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने गोरखपुर के अम्बेडकर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संगठन गोरखपुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर सरकार व हापुड़ जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की गई और साथ ही सैकड़ों की संख्या में वकीलों पर फर्जी मुकदमे भी लिख दिए गए। संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही की मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधिवक्ता ओंकार नाथ त्रिपाठी और कलेक्ट्री अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा, लोग जो हापुड़ में निर्दोष अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उस लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ता समुदाय के आंदोलनरत होने के कारण हम लोग यहाँ उपस्थित है। हमारे बार काउंसिल का जो निर्देश हुआ है उसके क्रम में हम लोग आंदोलनरत हैं और अधिवक्ताओं की मांगे मांगी जाए, इसलिए हम लोग जो है यह धरना प्रदर्शन और यह आंदोलन कर रहे हैं। ओंकार नाथ त्रिपाठी, एडवोकेट। 29 तारीख को हापुड़ में जो है आके अधिवक्ताओं के निर्दोष अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा जो है जो बर्बर लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें तमाम अधिवक्ता घायल हो गए थे, उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के कारण, वहां के जिलाधिकारी एसपी के और जो है सीओ का स्थानांतरण न करने के कारण जो है बार काउंसिल द्वारा जो है वो 3 दिन का जो है वह बहिष्कार का निर्णय लेते हुए क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञापन देने अनशन करने, राज्य सरकार द्वारा अपनी अब तक कोई कार्रवाई, कोई प्रभावी कार्रवाई न की जाने के कारण हम लोग रोष व्यक्त करते हुए जो है उस मांग के समर्थन में जो है आप सड़क पर उतर करके आंदोलनरत हैं कि राज्य सरकार तत्काल जो है वहां के एसएसपी, एसपी, डीएम और वहां के क्षेत्राधिकारी का तत्काल सस्पेंशन करे, वहां का ट्रांसफर करे, घायल अधिवक्ताओं को जो है उचित मुआवजा दे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और जो दोषी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जिनके जो है गलती से, जिनके जो है निर्देश से, जिनके गलत निर्देश से यह लाठी चार्ज हुआ है उनके खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज करे और जितना पुलिस वाले जो है वो जो है लाठी चार्ज किए हैं उनको तत्काल जो है उनका टर्मिनेशन किया जाए। शिक्षक दिवस के अवसर पर चौरी चौरा स्थित गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल का शिक्षकों और छात्रों ने बुके देकर व फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता मिहिर जायसवाल और मधु जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, करके बहुत खुशी हुई। आज से 70 साल पहले इस शहर के एक प्रमुख नागरिक व्यवसायी आजादी के बाद इस बात का एहसास किया कि अगर हमारे नागरिक शिक्षित नहीं तो आजादी व्यर्थ चले, और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना 1952 में की। आज मैं 2023 में यहाँ बैठा हूँ। यहाँ के बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, सर्विसेज में जा रहे हैं। गोरखपुर शहर के बाहर है यह विद्यालय, लेकिन मैंने जो बच्चों में और शिक्षकों में गुणवत्ता देखी है, मेरा हृदय बहुत आह्लादित है। और आज के इस योग में, दौर में, जब लोग शिक्षा को सबसे बड़ा व्यवसाय मानकर चलते हैं, आय का सबसे बड़ा साधन मानकर चलते हैं, व्यावसायिकता शिक्षा में पूरी तरह हावी हो चुकी है, एक उस दौर में अगर कोई संस्थान, कोई परिवार लीक और परंपरा से अलग हट करके एक अच्छी शिक्षा देने का काम और विद्यालय से कमाने की जगह अपनी कमाई का हिस्सा विद्यालय को देने का अगर कर रहा है, तो मेरे मन में तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव का भाव है। ईश्वर इन्हें इनकी और भी हौसला अफजाई करे, और उनका ये जो जज्बा है आने वाले समय में और बड़े ये विद्यालय और बड़ा शैक्षिक संस्थान बने और विभिन्न प्रकार की विषयों की शिक्षा यहाँ से मिले। सहजनवा विधानसभा के पाली क्षेत्र में 1,88,00,000 की लागत से 10 गांव में बने सीसी व पिच रोड का विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला द्वारा क्षेत्र के देवापार, डुगडुइया, मिनवा, डोहरिया कला, कोदरी, सिसई, रिठुआ खोर, धुरियापार, बेलौरा, बरई पार में 157.53 लाख की लागत से बने सीसी रोड एवं बलुआ में 31.29 लाख की लागत से बने पिच मार्ग का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख शशि प्रताप सिंह, सदर सांसद प्रतिनिधि रमेश मिश्रा, विकास पांडे, शिवचरण प्रसाद, बीईओ रजनीश द्विवेदी, प्रधान संघ अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, अजीत शुक्ला, ई रमेंद्रनाथ मिश्र, राम सिंह, दिनेश जायसवाल, ई अवर अभियंता ई सुबोध तिवारी, मनोज सिंह, राम बुझारत पासी व अभिमन्यु मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सुगम अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने कैंट चौराहा, बेतियाहता चौराहा, हनुमान मंदिर तिराहा, रुस्तमपुर व आजाद चौक पर यातायात पुलिस के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान टीआई मनोज राय, टीआई धर्मेंद्र सिंह व टीआई अजीत पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने व आम नागरिकों को कोई परेशानी आवागमन में ना हो, इसके लिए यातायात पुलिस लगातार सड़कों पर उतर के कार्रवाई कर रही है। इसके तहत लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि गाड़ियां सड़क पर न खड़ी करके जो निर्धारित पार्किंग दी गई है नगर निगम के द्वारा उसमें खड़ी करें। इसके अलावा हेलमेट लगाने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल पर के अनुसार चलने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, जो भी ट्रैफिक के रूल हैं सबको इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह जैसे स्कूल छूटने के समय पर जो है कि स्कूल के आसपास जो है कि जाम न लगे, बच्चों को निकलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह से जहाँ जहाँ सड़कों पर निर्माण कार्य सेतु निगम या नगर निगम के द्वारा चल रहे हैं वहाँ पर कोई समस्या ना हो वहाँ पर भी अतिरिक्त यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह से रोडवेज या अन्य जो भी पब्लिक गैदरिंग के स्थान हैं वो जैसे कुछ विशेष दिनों पर, सोमवार या अन्य दिनों पर, तो वहाँ पर हम लोगों ने डीजी सर के निर्देश पर जो है ड्रोन कैमरों से भी उनकी वीडियोग्राफी कराई है, ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, और ITMS के जो कैमरे जिन चौराहों पर लगे हैं उसके द्वारा भी मॉनिटरिंग करके यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। स्थिति काफी ठीक चल रही है। कितने पार्किंग अंतर हैं
देखिए पार्किंग स्थल तो आप जैसे आप देखेंगे गोल घर में बहुमंजिला पार्किंग है, सिटी मॉल के सामने पार्किंग है, इसी तरह से अन्य जो भी महत्वपूर्ण स्थान है जहां पब्लिक गैदरिंग के स्थान वहां पार्किंग की व्यवस्था की गई। एग्जैक्ट संख्या तो नगर निगम से मिलेगी, लेकिन ये पार्क शहर में काफी जगह पार्किंग की व्यवस्था है।